इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। रहमान फाउंडेशन वो नाम है जो हमेशा सामाजिक खिदमत में पेश रहता है। इससे पहले भी बाढ़ हो या कोरोना आलमी वबा का दौर हो या लॉकडाउन का सख्त मरहला हो, हमेशा बेबस मजबूरों के लिए रहमान फाउंडेशन के कारकुन हमेशा सरगर्म रहते हैं। बेलगाम शहर और अतराफ में कई मेडिकल कैंपों के जरिए आज भी खिदमात का सिलसिला जारी है। लिहाजा रहमान फाउंडेशन ने निपानी में फ्री मेगा मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया था, जिसमें 10 माहिर डॉक्टरों की टीम ने अपनी खिदमात अंजाम दिया। तकरीबन 1000 के करीब मरीजों का इलाज किया गया। हर मुश्किल दौर में रहमान फाउंडेशन के खिदमात काबिल तवज्जो हैं। इनकी तमाम खिदमात को अल्लाह कबूल फरमाए और इसी तरह से खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। पहले तो हम यहाँ आके देखकर दंग रह गए, ये यहाँ जो शादी हो रही है या कुछ और समारोह हो रहे या ये क्लिनिक चला रहे हैं, ये क्लिनिक ऐसा चला रहे हैं जिसकी अपनी शादी में अपने घर में की शादी हो तो माहौल बना दिया ऐसा कि शादी का माहौल हो, जो गरीब लोगों को अपने जो अड़चन है, जो तकलीफें हैं वो दूर करने के लिए जो ये फरिश्ते का काम कर रहे हैं, जो अपने रहमान फाउंडेशन, इन्होंने आज तक बहुत बहुत काम किया है और निपाने में भी इससे पहले भी काम किया है इन्होंने, और आज का काम देखे तो सभी को पता चल जाता है कि ये एक सीखने वाली बात है, देखने वाली बात है और इसको सभी लोग इमिटेट करना है। यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ हम ये मुस्लिम लोगों के लिए रहमान फाउंडेशन नहीं खुल रखा है, अभी जो हिंदू लोग भी इधर आके जो गरीब वो भी सेवाएं ले रहे हैं, और इस बारे में जो रहमान फाउंडेशन का जो काम है इनका कितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। एज अ म्युनिसिपल कमिश्नर आई अप्रिशिएट देयर डीड्स व्हिच दे आर गिविंग टू दिस सोसाइटी। रियासत कर्नाटक का मशहूर घोटाला आईएमए केस में साबिक वजीर जनाब रोशन बेग को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और इन्हें 14 दिनों तक जुडिशियल कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया। वाजा रहे कि बेलगाम शहर से भी कई लोगों ने, जिनके करोड़ों रुपए आईएमए में फंसे हुए हैं, बेलगाम से भी आईएमए के जिम्मेदार मंसूर खान पर मुकदमे दायर किए गए। लिहाजा इस केस के सिलसिले में जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई ने सुबह 11 बजे रोशन बेग को सीबीआई दफ्तर बुलाया गया। शाम तक पूछताछ की गई और इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। इन्हें कोरमंगला के खुसूसी अदालत में पेश किया गया। आईएमए के मंसूर खान ने रोशन बेग को रकम अदा करने की बात कही जा रही है। फिलहाल जेल में बंद मंसूर खान की पूछताछ हाल ही में सीबीआई की जानिब से 3 दिन के लिए की गई, जिसमें रोशन बेग का नाम लिया गया है। जिन लोगों ने भी आईएमए में रुपये इन्वेस्ट किए हैं उनके लिए जल्द ऑनलाइन अर्जी दाखिल करने की सहूलत भी फराहम करने की बात कही जा रही है। क्या वाकई जिन लोगों के रुपये हलाल इन्वेस्टमेंट के तहत जमा किए गए थे इन्हें वापस मिलेंगे या वाकई तमाम के पैसे ही हलाल किए जाएंगे, इस पर अभी भी सवालिया निशान खड़ा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।